मुजफ्फरनगर आगरा पुलिस की हिरासत में हुई अरुण बाल्मीकि की मौत में मृतक आश्रितों के परिजनों को भी 40 लाख रुपए और उनकी योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए, इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया। बाल्मीकि क्रांति दल के तत्वावधान में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि लखनऊ के विवेक तिवारी और कानपुर के मनीष गुप्ता को भी पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसमें योगी सरकार ने मृतक आश्रितों को तुरंत 40 लाख रुपए और वन क्लास की नौकरी दी गई, लेकिन योगी सरकार ने भेदभाव करते हुए आगरा पुलिस हिरासत में अरुण बाल्मीकि के परिजनों को मात्र 10 लाख रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी दी गई, जिससे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बाल्मीकि समाज के साथ हीन भावना रखते हुए भेदभाव कर रही है। इसलिए विवेक तिवारी और मनीष गुप्ता की तरह ही अरुण बाल्मीकि के परिजनों को भी 40 लाख रुपए और उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। भाई का नाम का दीपक गंभीर। बताइए, जो आज आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? एक हमारे वाल्मीकि क्रांति दल के बैनर तले आज हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, जिसमें आपको जैसे कि विदित है कि 19 तारीख में हमारे आगरा में अरुण वाल्मीकि की उसकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई है, और जिसकी मांग के लिए सड़कों पर वाल्मीकि समाज भी उतर रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने केवल 10 लाख रुपए मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया है, जिससे बाल्मीकि समाज में रोष है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने बाल्मीकि समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आगरा में जो बाल्मीकि समाज का व्यक्ति है उसको 10 लाख रुपए, और जो लखनऊ और कानपुर में जो मनीष तिवारी है और विवेक तिवारी मनीष गुप्ता जो पुलिस कस्टडी मारे गए थे, उनको 40-40 लाख रुपए दिए हैं, वो जो बहुत ही निंदनीय है। तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बाल्मीकि समाज से दुरावत सौतेला व्यवहार न किया जाए, मनीष और विवेक की भांति ही बाल्मीकि समाज के जो पीड़ित परिवार उसको 40 लाख रुपए और उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी दे देनी चाहिए।